तेलंगाना दक्कन न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदमे बढ़ते हैं खबर की जानिब। मुगलपुरा पुलिस की जानिब से टू व्हीलर गाड़ियां चुराने वाले अफराद को किया गया गिरफ्तार। बताया गया कि इनके कब्जे से 12 गाड़ियां जब्त की गई है। तमाम तर कार्रवाई साउथ जोन DCP की रात निगरानी में की गई। बताया गया कि रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए तकरीबन 7 पुलिस स्टेशन में ये रेजनी की वारदातें अंजाम दे चुके थे। आज इनकी गिरफ्तारी अमल में आई। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आलमी मुल्की रियासती मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना दक्कन न्यूज़। केसेस ज़्यादा होने से गजराव गोपाल साहब हमारे सब जोन DCP साहब CP साहब के इंस्ट्रक्शंस पे एक स्पेशल टीम फॉर्म करें और एक टीम कम से कम 15 दिन से काम कर रही थी करके दोनों को पकड़ी है टीम। सैयद अब्दुल शाहिद बोल के 24 ईयर्स का है, इन्हों बालापुर के रहने वाले, और एक मोहम्मद सुल्तान 24 ईयर्स के हैं, इन्हों तालाब कटे के रहने वाले अमर नगर के। ये दोनों को पकड़ने के बाद में इंटरागेशन में 12 बाइक्स हम लोग रिकवरी करे। पूरे बाइक्स की कीमत 3,80,000 तक रही थी और ये पूरे 7 पोल्यूशन के केसेस हैं। चिकड़पल्ली, मुगलपुरा, चारमीनार, चंद्रानगुट्टा, राजेंद्र नगर और सतरीनाका। तो ये लोगों का ये मॉडस ऑपरेंड ऐसा है जहाँ पे भी अपन बाइक्स पार्क करके रखते हैं अंधेरे एरिया में, वहाँ पे जाते हैं लोग, एक जना वॉच करता रहता और दूसरा हैंडल तोड़ता, दो वायरा जॉइंट करके बाद में बाइक स्टार्ट कर लेके ले जाके आउटस्कर्ट्स पे छुपा के रख लेते हैं और ले जाने के बाद में नंबर प्लेट निकाल देते हैं और सामने पीछे के बम्पर्स निकाल देते हैं, कोई पहचान नहीं जैसा, और वो चीज़ों को तो स्क्रैप में बेच दिया, थोड़ों को फेंक दिए और बाइक्स को 2-3 दिन में इन्होंने डिस्पोज करने वाले थे। अपनी टीम पकड़ ली, इसमें इंस्पेक्टर रवि कुमार और गौस खान और कांस्टेबल्स हमारे सरवर पाशा, रत्नम, शरद बाबू, राघवेंद्र और नरेश चौहान, इन लोगों की बहुत ही मेहनत है। इन सबको CP साहब शार्टली रिवार्ड देंगे। किस लिए ये क्या करते हैं ये लोग? हाँ, जलसे के वास्ते, ईजी अर्निंग के वास्ते ये केसेस करे बोल के बोल रहे थे और इसके पहले भी कुछ केसेस करे क्या, और भी कुछ केसेस है क्या? लोगों को रिमांड तो भेज दिए, पुलिस कस्टडी लेके फर्दर इंटरेक्शन करेंगे हम लोग। इन लोगों को कहाँ से पकड़े सर? ये लोग हमारी टीम रेलवे स्टेशन के से पकड़ के लेके आई।